दोस्तों यह सच है कि हमारा दिमाग कभी भी खाली नहीं रह सकता और उसमें कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा सोचने की बीमारी होती है जिसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है। दोस्तों जरूरत से ज्यादा सोचना आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ब्रेन हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ टिप्स अपनाकर अपने दिमाग को काबू में किया जा सकता है और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले अपने अंदर को डर को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर विचार किसी अनजान डर या चिंता के कारण आते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की समस्या को रोकने के लिए सबसे पहले इस डर को पहचानिए। यह डर किसी चिंता, डिप्रेशन या असुरक्षा के कारण हो सकती है। नंबर टू, अपने अंदर के सबसे डरावने परिणाम को लिखे। दोस्तों आपको अपने अनियंत्रित विचारों से निकलने वाले डरावने परिणाम को लिखे और बार बार पढ़े। दोस्तों ऐसा करने से थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बार बार अपने डर को सामना करने से वह आपको सम्मान महसूस होने लगेगा। दोस्तों यह ओवरथिंकिंग को खत्म करने का काफी मददगार तरीका है। नंबर थ्री, सबसे अच्छे पहलू को लिखे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सिक्के को दो पहलू होते हैं। अगर आपको कोई विचार डरा रहा है तो उसका एक सबसे डरावना परिणाम होगा और एक सबसे अच्छा परिणाम भी होगा। दोस्तों आपको अपने विचारों से उत्पन्न होने वाली सबसे अच्छे पहलू को लिखे और उसे पढ़े। ऐसा करने से आपको सकारात्मक विचार आने लगेंगे। नंबर फोर, ओवर थिंकिंग का डिस्टर्ब करें। दोस्तों अगर आप किसी काम को करते हुए सोचने लगते हैं तो आप उस काम को छोड़कर 5 मिनट माइंडफुल वर्क करें। एक्सपर्ट के मुताबिक कई रिसर्च कहती है कि 5 मिनट शारीरिक गतिविधि करने से हमारे दिमाग को फील गुड एंडोर्फिन हार्मोन पैदा होने लगते हैं, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। नंबर फाइव, किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने के कारण हो सकता है इमोशनल पैरालिसिस? जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को सलाह जरूर लें, क्योंकि ज्यादा सोचने के कारण सिर दर्द, थकान, खराब पाचन क्रिया या इमोशनल पैरालिसिस भी हो सकता है। दोस्तों इमोशनल पैरालिसिस की स्थिति में इंसान मुश्किल स्थिति में कुछ बोलने हिलने में असक्षम हो सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।